नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन मर्क्यूरियलिस पेरेंडिस के सिम्पटम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको निवास रूप से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन मर्क्यूरियलिस पेरेंडिस श्वान पारद यानी डॉक्स मरकरी के सिम्पटम। ऐसे रोगी जिन्हें नींद अधिक आती है तथा आलस्यपन होता है तथा इस प्रकार के लक्षणों के साथ ही रोगी के पीठ पर फुंसियाँ हो तथा अत्यधिक संवेदनशील आमाशय आंतों और मूत्राशय की पेशी तंतुओं से संबंधित कोई रोग हो गया हो, तो ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियलिस पेरेंडिस औषधि का उपयोग करना चाहिए। मर्क्यूरियलिस पेरेंडिस औषधि निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों के रोग को ठीक करने में काफ़ी उपयोगी है। जैसे सिर से संबंधित लक्षण, रोगी के माथे पर दर्द होता है तथा जब वो सीढ़ियों से नीचे की ओर उतरता है तो उसे चक्कर आते हैं और उसे ऐसा महसूस होता है कि माथे पर कसकर पट्टी बंधी है जिसके कारण दर्द हो रहा है। नाक के अंदर दर्द होता है और कभी कभी रोगी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके दो नाक हो गए हों। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियलिस पेरेंडिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मुंह से संबंधित लक्षण, मुंह और गला शुष्क हो जाता है तथा जीभ भारी और सूखी लगती है। जीभ, होंठ और गालों में जलन के साथ छाले हो जाते हैं। गाल के अंदरूनी भाग तथा भोजन नली के पिछले भाग में घाव हो जाता है और गले में लुखापन महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियलिस पेरेंडिस औषधि का उपयोग करना चाहिए। स्त्री रोग से संबंधित लक्षण, स्त्री रोग, जब रोगी स्त्री को माहवारी के समय आता है तो स्राव अधिक कष्ट के साथ होता है। कम मात्रा में स्राव होता है तथा उसके साथ ही रोगी स्त्री को संभोग करने की इच्छा होती है। अस्त्रों में सूजन और दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी स्त्री के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियलिस पेरेंडिस औषधि का उपयोग करना श्रेयस्कर माना गया है। संबंध, रिलेशन, कोटन, बोरेक्स औषधि कुछ गुणों की तुलना आप मर्क्यूरियलिस पेरेंडिस औषधि से कर सकते हैं। मात्रा, डोजेस, मर्क्यूरियलिस पेरेंडिस औषधि की तीसरी शक्ति का प्रयोग रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।